कैटोरोल इंजेक्शन के अंदर कैलोरोलेक ट्रोमेथामाइन इंग्रेडिएंट्स के रूप में दिया है। कैटोरोल इंजेक्शन का प्रयोग ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द, आंखों की सूजन, मध्य आंख दृष्टिपटल विकार, मोतियाबिंद निष्कर्ष के साथ जुड़े दृष्टिपटल यानी आंखों में होने वाले दर्द की समस्या के लिए, या फिर नेत्र यानी आंखों के ऑपरेशन के दौर से गुजर रहे रोगियों में दर्द और प्रकाश की असहनीयता में इस इंजेक्शन यानी कैटोरोल इंजेक्शन को प्रयोग में लाते हैं। कैटोरोल इंजेक्शन दर्द पैदा करने वाले रसायनों के प्रभाव को रोकता है। इस इंजेक्शन के जो साइड इफेक्ट होंगे, जैसे मनोविकृति, शुष्क सूखा मुंह, बुखार और लो ब्लड प्रेशर, लाल चकत्ते और जठरांत्र यानी आंतों से जुड़ी समस्या और रक्त स्त्रवण यानी खून जैसे अंदरूनी जो ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। यानी इस इंजेक्शन का प्रयोग आंख उनको इस प्रकार के मरीज को नहीं लगाना है जैसे आंखों में संक्रमण है, सूखी आंखें, आंखों की सतह पर छाले, पेट में छाले और डायबिटीज वाले रोगी, संधिशोथ यानी हड्डियों से जुड़ी समस्या और दमा रोगी यानी जिनको सांस उखड़ने की परेशानी है, पेट और आंतों में खून का लक्षण। इस प्रकार के जो मरीज हैं उनको यह इंजेक्शन कैटोरोल बड़ी सावधानी से बिना डॉक्टर की राय से नहीं लगाना है। इस इंजेक्शन को प्रयोग में लाते समय वारफरिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप और प्रेडनिसोल इस प्रकार की दवाएं नहीं लेनी है। इस इंजेक्शन का प्रयोग प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं और हाइपोबोलीमिया और शराब वाले जो रोगी हैं जो शराब का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, या फिर 18 से कम उम्र के व्यक्ति हैं या मरीज हैं जिनको आंखों से जुड़ी समस्या है, या फिर जिनकी बॉडी अति संवेदनशील यानी सेंसिटिव बॉडी है उनको यह इंजेक्शन नहीं लगाना है। यह इंजेक्शन आँखों के लिए समस्या के लिए है। नेत्र जो डॉक्टर है उसकी राय पर ही आप इस इंजेक्शन को प्रयोग में लाएं। यह इंजेक्शन और IM और IV दोनों तरीके से दिया जाता है। इसकी जो मार्केट रेट है 21 रुपीज़ है। धन्यवाद।